उनका उनका जो प्लान था वो फेल हो गया, बस मेन बात। पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है, लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कुछ इस प्रकार। बीजेपी ने जो कॉन्स्टिट्यूंसी की थी, षड्यंत्र किया था कर्नाटक के अंदर, फिर मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले के राज्यों के अंदर, आप देख लो महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो जो राज्यों में, ये गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में अंदर, सब जगह इन्होंने ही काम किए। ताज़ा उदाहरण था हमारा मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का, वही टैक्टिक अपने यहाँ पर, उस पर पूरी तरह एक्सपोज हो गए लोग। और प्रदेशवासियों की विजय मानता हूँ मैं, कांग्रेस की नीतियों की, कार्यक्रमों के सिद्धांतों की विजय है। और हमारे विधायक जो है, एक महीने से अधिक समय तक जिस रूप में सारे त्यौहार छोड़ करके, ईद हो चाहे वो रक्षाबंधन हो, तीज हो या जन्माष्टमी हो, सबको छोड़ के बैठे रहे, सब लोग एकजुट रहे, उसकी विजय है। और आज जो जिस रूप में बहस हुई है, उससे आपको मालूम पड़ गया कि विपक्ष के पास कहना कुछ था ही नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे। और जिस रूप में एक्सपोज हुआ विपक्ष, बीजेपी, वो सबके सामने है। और वो समझ गए कि उनका उनका जो प्लान था वो फेल हो गया, बस मेन बात ये। सर आगे क्या दिशा रहेगी, क्योंकि अब तो मैं कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मैंने उसमें भी कहा है कि जीवन बचाना हमारी जिम्मेवारी है। आज भी कोरोना जो है वो भयंकर महामारी का रूप है, संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, चिंता उसकी होनी चाहिए पक्ष विपक्ष को। क्या ईडी का, सीबीआई का इनकम दुरुपयोग नहीं हो रहा है देश के अंदर? और क्या आप लोग भी टेलीफोन बात करते हो तो सीधा नहीं कहते हो, फेस टाइम पे आ जाओ भाई, व्हाट्सएप आ जाओ भाई, क्यों कहते हो? क्या डेमोक्रेसी में ये बात अच्छी है कि आप कहते हो कि फेस टाइम पे आ जाओ, व्हाट्सएप बात करो, खुल के कोई बात नहीं कर सकते देश के अंदर? इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कोई जवाब है किसी के पास में? हो रहा देश के अंदर पूरी तरह से बर्बादी हुई हुई है। और उसके बाद में भी बड़े अच्छे आर्गुमेंट दिए गए, जैसे कि मतलब वो हमारी पार्टी के नेताओं के, आपको बहुत बड़ी चिंता है लोगों की, क्या हुआ लड़की लड़े थी, आज सदन के अंदर जो प्रदेश की सरकार विश्वास मत लाई थी उसको बहुत अच्छे बहुमत के साथ सदन ने आज पारित किया है। और जो भी अटकलें लगाई जा रही थी उसको आज विराम मिला है। मैंने सदन के पटन में भी बहुत संक्षिप्त में इस बात को कहा कि जो कोई पॉलिटिकल राजनीतिक चर्चा थी या कोई विषय उठे होंगे, उस सब पर संतोषजनक संवाद करने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए रास्ता बना चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से उस सभी रोड मैप का खुलासा होगा और हम सबके जो कंसर्न थे उसको संतोषजनक तरीके से उसको डील किया जाएगा। जहाँ तक सदन के अंदर की बात थी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो विधायक हैं उन सब ने एकजुटता का आज परिचय दिया। और विपक्ष ने तमाम कोशिशें करी लेकिन उसके बावजूद भी
आज प्रचंड बहुमत के साथ सरकार के पक्ष में जो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था वो पारित हुआ है। इस बात की मुझे खुशी है। अब आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, चाहे कोरोना की हो, चाहे आर्थिक मुद्दों की हो, चाहे किसानों की हो, नौजवानों की हो, उन सब चुनौतियों के लिए पूरा प्रदेश मिलकर काम करेगा और सरकार अपने बचे हुए कार्यकाल में पूरी ताकत के साथ लोगों की, मतदाताओं के अरमानों को पूरा करने का काम करेगी। पहली बार सदन में कई महीनों के बाद यहाँ पर हम लोग आए और पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज मैं सरकार का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर कोई कहाँ बैठता है महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीटिंग अरेंजमेंट स्पीकर महोदय और पार्टी तय करती है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन की आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित हूँ। कोई कितनी अटकलें लगा ले, कितनी अफवाहें फैला ले, लेकिन इस प्रदेश की मिट्टी ने मुझे जो मान सम्मान और प्यार दिया है उसका जीवन भर मैं कृतज्ञ रहूँगा और अपने राजनीतिक जीवन के अंदर राजस्थान के लोगों का जितना भला हो सके उस दिशा में काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ।